शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 70 केंद्रों पर कुल 17,540 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 1,610 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 15,930 लोग शामिल रहे। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि शनिवार को विशेष रूप से सेकेंड डोज का वैक्सीन लगाया गया है। इसके अलावा कुछ लोगों को प्रथम डोज भी लगा दिया जाता है। सीएमओ ने बताया कि जनपद में अब तक 23 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सोमवार को 50,000 से अधिक वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने जनता से अपील किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, हमारे ज़िले में 70 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें आज हमारा एक्सक्लूसिवली सेकंड डोज के लिए रखा गया है, जो कि RI सेशन और HND सेशन भी चल रहा है। तो हम कम जगह पर वैक्सीनेशन कर रहे हैं। आज लोगों की संख्या उसी अनुसार देखी गई है, तो फिर भी हम 10,000 से ज़्यादा का आज का वैक्सीनेशन होगा। अभी तक हम 23.5 लाख डोज लगा चुके हैं। कल हमारा 68,000 से ऊपर हमारा वैक्सीनेशन हुआ था। थोड़ा सा मौसम ठीक नहीं था, इस वजह से हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। तो मंडे को हम 50,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन करने का हमारा लक्ष्य रहेगा। सर, जनता से हमारी अपील है कि वैक्सीनेशन कंटिन्यूस चल रहा है। लोग अपने सेंटरों पर, अपने नियर बाय सेंटरों पर जाएं और समय देख करके वैक्सीनेशन कराएं, भीड़ भाड़ से बचें। ज़्यादा भीड़ होने पर किसी दूसरे दिन वैक्सीनेशन कराने के लिए आएं, ताकि हमारे स्टाफ को भी और सबको सुरक्षित रखा जा सके। और जब भी बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं और भीड़ भाड़ से बचें।